नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंदरता एवं पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वन विकास निगम की सहायता से राजमार्ग के बीच बने डिवाइडर पर पौधारोपण एवं उन पौधों की गुड़ाई एवं सिंचाई के लिए करोड़ों रुपए का व्यय सरकार द्वारा किया गया। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दतिया डबरा ग्वालियर पर जब हमारी न्यूज टीम द्वारा पड़ताल की गई तो डिवाइडर पर ना तो पौधे देखे और ना ही लगने वाले इस पर कोई वृक्ष और पौधे, जिसका जीता जागता सबूत है, वीडियो में दिख रही है तस्वीर। वहीं खबर विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है कि कागजी कार्रवाई में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य को दिखा दिया गया, जो कि पूरा संदेह घेरे में आता है। आप वीडियो के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं कि सूने पड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर पर कहीं भी कोई भी पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार का गवाही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को फिर से मिलेगा संवरने का मौका या ऐसे ही पड़े रहेंगे वीरान। वहीं अगर देखा जाए तो जब करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई तो आखिर यह पैसे कहां गए? ना तो यहां पर पौधे रोपे गए, ना ही कोई पेड़ है। ऐसे में पूरा ही मामला बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। देखिए क्या है पूरा मामला। दतिया से हमारी संवाददाता रनी लटोरिया की खबर।